हुआ क्या था सर आपके साथ कैलाश मानसर के यहाँ और आपकी लाइफ बदली क्यों और क्या आप ये मानते हो कि शिव जी वहाँ सच में रहते हैं या नहीं <laughs> <laughs> तो आपने मतलब जो लास्ट वाला प्रश्न है ना वो सॉलिड प्रश्न है यार डज शिवा एक्चुअली लिव एट कैलाश वो जहाँ पे रहते हैं तो आई विल कम टू दैट डेफिनेटली पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उस व्यक्ति ने जिन्होंने कहा कि उनकी लाइफ बदल गई है आई कम्प्लीटली अग्री बिकॉज इट हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल जो वहाँ पे जाते हैं ना तो उनकी लाइफ में मैं क, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो परिपूर्ण बदल जाते हैं बट उन जब मेरे लाइफ में हुआ मैं कहना चाहता हूँ कि विचारों में बदल आ जाता है Uh, हम ज्यादा इंक्विजिटिव हो जाते हैं क्रिएटिविटी हाँ क्रिएटिविटी uh, एक बात होगी मैंने ऐसे एक जब आप क्रिएटिविटी कहते हैं तो एक uh, मैं कहता हूँ कि अ वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली या नजरिया नजरिया आपका हाँ, हमारा नजरिया एक uh, एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है विच इज मोर आध्यात्मिक सो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपन जो क्या हो गया मेरे लाइफ में बिकॉज यू पुट दस दैट क्वेश्चन राइट उसके बाद विल कम टू दी शिवा है कि नहीं है वहाँ पे वो अलग बात है तो एक जो चीज़ होती है एंड दैट्स वाई मैंने आपको भी कहा कि हो सके तो एक बार आप भी जाके आइए कि द प्लेस स्पेशली मान सरोवर बिकॉज कैलाश इज दैट माउंटेन आप डायरेक्टली uh, वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं आप एक दूर से uh, एक दूरी रख के आपको उसकी परिक्रमा आप कर सकते हैं यू कैन सी इट बट मानसरोवर में हमने डुबकी भी लगाई वी टू थ्री डिप्स इन द मान सरोवर तो द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज़ आप जब भी वहाँ जाते हो तो आपको इस्पेशली आप मानासरोवर वो लेक पे हो आप देख रहे हो द स्काईज़ यूर कम्प्लीटली सराउंडड बाई हिमालन माउंटेंस पूरे uh, इर्द गिर्द वहाँ पर हैं डिफरेंट माउंटेन रेंजेज और फॉर मी एक ऐसा क्षण था जहाँ पे मैं वहाँ पर अकेला था एंड द माना सरोवर इज़ लाइक एन ओशन सपोज मैं आपको um, एक आई टेक यू टू वन ऑफ द बीचेस गोवा पे या कहाँ पे एक बीच पे आपको लेके जाऊँ और आपको uh, आप खड़े हैं वहां पे और मैं आपको बताता हूँ पूछता हूँ कि भाई आपके सामने है क्या तो आप बोलेंगे ये क्या प्रश्न हुआ यार मतलब मेरे सामने क्या है इट्स एन ओशन एंड इफ आई टेल यू दैट इट इज नॉट एन ओशन इट्स जस्ट अ लेक ज द काइंड ऑफ मैग्निट्यूड उसका जो साइज है उस लेक का बाई द वे एट द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट हाफ थाउजेंड फीट अब लेवल मानोसरोस्ट लेक वैसे देखा तो लेक बा इन सर्बिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक ओके एंड वैसे काफी सारे लेक है लेकिन एट दैट हाइट हिमालय में मानोसरोवर इज द लार्जेस्ट सो इमेजिन वहां पे जब जब मैं वहाँ बैठा था और uh, मैं मेरा मेडिटेशन कर रहा था एंड मेडिटेशन किस प्रकार का वेरी सिंपल मैं जब कर रहा था और आंखें खोल के मैं देख रहा था ये क्या है एंड एक बंदा जो मुंबई में रहता है रहता था अभी तो पूना आ गया हूँ फॉर दैट पर्सन टू सडनली गेट ट्रांसफॉर्म विद इन अ फ्यू डेज फ्रॉम दादर एंड आई विस्ट टू वर्क इन अंधेरी तो ट्रेन पकड़ो बी बस कभी कभी रिक्शा ऑटो करके वापस वो जो ट्रैफिक ये वो वहां से सडनली यू गेट ट्रांसफॉर्म वहां पे आप टेलीपोर्ट हो जाते हो मतलब ऑफ कोर्स वी ट्रेवल्ड दैट ट्रांसफॉर्म उससे वो जो मैं देखा एंड आई वाज अमेज्ड एक अंदर से ही एक फीलिंग आ गया कि भाई मैं कहाँ हूँ ये पृथ्वी है कि नहीं है hmm. ये बहुत अलग प्लेस है एंड ऑब्वियसली एक ऐसी प्लेस जहाँ पे मुझे ये ऑब्वियसली पता था बिकॉज हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं कि इट इज़ अ लैंड ऑफ शिवा लिटरली ऐसे कहा जाता है कि uh, कैलाश मानसरोवर पे आदिनाथ uh, महादेव बैठ के मेडिटेशन uh, करते हैं तो वो फीलिंग भी थी सो so, इमेजिन करो रणवीर आप वहाँ बैठे हो कोई नहीं है मानसरोवर में मतलब वो ऑन द बैंक्स द लेक दैट लुक्स लाइक एन ओशन पूरा एक सी आपके सामने है बट वो लेख है तो जो उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो पूरा हिला देता है यार एंड इट अवेकन्स इट ट्रिगर्स डिफरेंट थॉट प्रोसेस क्रिएटिव थॉट प्रोसेस तो मैं ये नहीं कहता हूं कि अ पर्सन लाइक मी आई डेंट चेंज देयर ओनली इट्स लाइक अ गियर फर्स्ट गियर में सेकेंड गियर हो गया थर्ड hmm. टाइम ए फिस्ड वो फोर्थ में चला गया मुंबई वो फिफ्थ गयर में था द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस वहां पर वाइब्रेशन मराठी में उसको कंपन कहते हैं आई नो नो इफ इट वाइब्स इंग्लिश में बी आई थिंक दूर्स विल रिलेट विद इट दॉ सच ए पॉजिटिव वाइब हम कहते हैं ना किसी व्यक्ति को मेरे तो अरे सच अ पॉजिटिव वाइब सो मानसरोवर एंड कैलाश एंड वो जो सिनेरियो uh, है जस्ट नॉट द मानसरोवर एंड कैलाश दैट एंटायर रीजन ऑफ हिमालयस हम वाइब्रेशंस आर वेरी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस व्हेन समथिंग हिट्स यू वेरी स्ट्रांगली ओके एक बदलाव आ जाता है विचारों में एंड व्हेन आई saw कैलाश इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर माउंटेंस एंड योर टॉकिंग टू Somebody जो गुरु यहाँ पे मैं हैं हम बैठे बिकॉज आई वॉज इन माई गुरु सेवा बाय मैं और और एक मेरा दोस्त था तो बाकी सब जा रहे थे और आई हैड टू बी विद अ गुरु इन सेवा तो हम कुछ क्षण के लिए माई गुरु वॉन्टेड टू मेडिटेट तो बैठ के थोड़ी दूर पे मेडिटेट कर रहे थे मैं जाके मैं आई एम जस्ट लुकिंग एट दैट माउंटेन

एंगल लाइक दिस ओके वेरी शार्प एंगल लाइक दिस आपको वो माउंटेन ये आपको माउंटेन देखे लगता है कि हाँ शिव भगवान रहता है <laughs> तो कमिंग टू दैट पॉइंट तो आई टेल यू समथिंग मुझे ऑलवेज yeah. ये फील होता था कि आ, उस क्षेत्र में योगीज हैं जो yeah. मेडिटेट करते हैं yeah. जैसे अगर हम वहाँ पे चले गए स्पिरिचुअल टूर पे योगीज तो वो जाते ही होंगे वहाँ पे हम तो mm -hmm. जा रहे हैं टू एक्सप्लोर दैट प्लेस हैज दो वाइब्रेशन ओके जैसे मैंने पहले कहा और शिवा इज इज देर अभी मेरा थोड़ा अलग मानना है इट डजन बिकॉज ये शो पे तो आई कैन जस्ट एक्सप्रेस माई थॉट्स मुझे ऑलवेज लगता है कि शिवा इज नॉट जस्ट एन इंडियन शिवा एक भारतीय नहीं है सिर्फ भारतीय भी है और मुझे लगता है कि शिवा बिलोंग्स टू अ यूनिवर्स hmm. और आ, कुछ क्षणों के लिए कुछ समय के लिए कुछ दिनों के लिए शायद वो कैलाश आते हैं hmm. और वो मेडिटेट करते हैं मेरे हिसाब से शिवा इज महादेव इज अ वेरी वेरी वेरी, वेरी पावरफुल एंड एडवांस योगी hmm. जो ट्रैवल कर सकते हैं जो शायद धरती से नहीं है शायद oh, ऐसा शायद। भी हो सकता है। yeah, है yeah. क्या होता King, है शिवजी एलियन, है, basically. हा, हा. So, अभी क्या होता? एलियन बोला तो वी ऐसे hmm. hmm. जो लोग हैं और शिवा hmm. एक ही नहीं है hmm. तो ऐसे योगी हैं जस्ट टू साइड स्टेप अभी आपने महा अवतार बाबा जी के बारे में सुना होगा जी राइट right? तो वो भी बहुत बड़े मतलब हाईली एडवांस्ड बींग है जो भारत मतलब हिमालय में भी जाते हैं ही मे ट्रेवल एनी वेयर ही विशेज टू और जैसे मैं ऑलवेज कहता हूँ कि पृथ्वी इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर इंटेलिजेंस इज कॉन्शियसनेस इज वैसे काफी सारे प्लान्स हैं तो शिवा हंड्रेड परसेंट वो उस रीजन में जाते हैं जहां शायद वहां पे वो मेडिटेशन कर सकते हैं एंड hmm. ऐसे दो तीन लोग लोग हैं एक कोई रिमपोनचे हैं टिबेटिन जो कैलाश पे जाके उन्होंने मेडिटेट किया है एंड इज अनदर बाबा जी एंड इट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो आई बीन फॉलोइंग हिम इज बाबा जी ही इज नोन एज हेरा बाबा जी तो ही वॉज ऑल्सो नोन टू हैव सैट ऑन कैलाश मानसरोवर एंड मेडिटेटेड वहां पे काफी सालों के लिए hmm. तो ये सब एनलाइटन एनलाइटेंड पीपल है एंड शिवा डेफिनेटली एक हायर बींग है जो वहाँ पे है इसलिए तो वाइब्रेशन बहुत strong है वहाँ पे पता है सर आ, मेरे एक फ्रेंड है मैं उनका नाम नहीं लूँगा sure. इस पॉडकास्ट पर वो एक फॉर्मर आर्मी के पर्सनल है okay. आ, और उन्होंने बहुत हाई लेवल पे आर्मी में काम किया है hmm. तो उन्होंने मुझे एक बार मतलब मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा था कहीं और आ, मुझे साइड में लेकर उन्होंने कहा रणवीर क्योंकि तेरा इतना इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में कैलाश मानसरोवर में क्योंकि उनके साथ हम कैलाश मानसरोवर की थोड़ी थोड़ी बातें करते कि सर अब यहाँ गए हो क्या क्योंकि आर्मी के हायर लेवल्स में यहाँ वहाँ बहुत जाना पड़ता है उनके मिशन पर तो उन्होंने मुझे बस देखे कहा कि रणवीर पता है एक चीज़ बताओ तो बताओ सर तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कैलाश मानसरोवर पर एक ऐसी डिवाइस है जो शायद इस अर्थ से बिलोंग नहीं करती तो अब क्या कहोगे तो आई सेड कि ओके सर कीप गोइंग और क्या है उन्होंने कहा कि एक थोड़ी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है बट uh, कुछ लोग कहते हैं uh, कि एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डिवाइस है वहाँ सदियों से शायद आप इसको एलियन डिवाइस कह दो शायद आप इसको uh, कोई मेडिटेटिव डिवाइस कह दो कोई स्पिरिचुअल डिवाइस कह दो कोई ऐसी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डिवाइस है जिसकी वजह से वो वाइब आसपास फ़ील होती है सभी लोगों को ये भी कहा जाता है कि जब आप uh, कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करोगे तो आपकी थोड़ी सी एजिंग फास्ट हो जाती है ये exactly लॉजिक मुझे समझ नहीं आया बट आपके नेल्स थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके बालों की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि टाइम वहाँ बेंड हो जाता है इसी डिवाइस की वजह से और आ, हमें फिर से एक एस्ट्रोफिजिस के साथ एक ये यहाँ पॉडकास्ट किया अच्छा और अच्छा। जिन जिन लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी आपने भी शायद देखी तो, तीन बार देखी है आ, तो उस मूवी में भी ये टाइम बेंडिंग की uh, के सब्जेक्ट के ऊपर बातें की गई है कि अलग प्लैनेट्स पर जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल अलग होता है जहाँ ग्रेविटी अलग होती है वहाँ टाइम की परसेप्शन भी अलग हो जाती है तो कैलाश मानसोवर की स्पेशलिटी है है कि वहाँ शायद जो आ, जो समय हम आज जानते हैं यहाँ मुंबई में बैठ जो आप और मैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम को हुँ. वो शायद कैलाश पर अलग हो जाता है उसका नेचर बदल जाता है टाइम की लेंथ शायद चेंज हो जाती है तो ये मेरे तो, आमी के फ्रेंड तो, ने मुझे बताया तो ये जो फ्रेंड आपके सामने बैठा है मैं मैं कहूँगा जो बिकॉज मैं गया वहाँ पर मैंने जी परिक्रमा जी। भी की है वहाँ पर मैंने कैलाश गुरु के आशीर्वाद से गुरु के के ही साथ मैंने परिक्रमा की थी एंड मैंने कैलाश को देखा है अफकोर्स एक याद रखिए कि कैलाश के अराउंड आप परिक्रमा कर सकते हैं बट टू गो टुवर्ड्स द माउंटेन एंड टच इट वो मेरे गुरु ने किया my guru actually went and touched the kailash which nobody can you have to take special permission वो uh, but my guru he is an enlightened soul and he went there and uh, to main ye kehta hu ki maine bhi parikrama ki तो I must be an exception कि अगर वो कहते हैं कि time bending से या जो कुछ आपने कहा कि उससे थोड़ा aging बढ़ता है तो it should in my case it's probably <laughs> be <been> the opposite <laughs> बिकॉज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम वॉट आई हैव फेल्ट जो मैंने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया है कि एक तो है कि देर आर इलेक्ट्रो मैग्नेटिकलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कहा जाता है मैं आपको कहता हूँ कि वहां पर गए तो विचारों में परिवर्तन आता है यू बिकम ऑल द मोर अमेज एंड यहां पर टच होता है क्या नॉट द इलेक्ट्रो जो वहाँ का वातावरण है यू नो द स्काइज़ ऑफ कैला अबाव कैलाश और इन दैट रीजन स्पेशली वेर आई वॉज कैलाश एंड मानसरोवर वो जो स्काइज है उनके कलर्स इतने अलग हैं दे लुक लाइक सेजेस इन मेडिटेशन जो क्लाउड्स hmm. दिखते हैं एंड इट्स नॉट दे जस्ट द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रंधीर वो हो सकता है बट वन थिंग आई रिमेंबर मैं जब भी गुरुओं के साथ कैलाश की परिक्रमा कर रहा था तो मैं उनके साथ था

एट दैट बिकॉज ऑक्सीजन लेवल्स आर लेसर तो मैंने कहा यस यस मैंने थोड़ा रिलकटेंटली बोला तो स्वामी जी दैट टाइम सेड कि आप यहाँ पर जो कर रहे हो ना जब वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ कर जब 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 भी आप करते हो उसका जो इफेक्ट है जो बीज अक्षर चांटिंग का जो इफेक्ट है इम्पैक्ट है इट इज़ फार मोर इफेक्टिव देन वेन यू डू इट एट अ नॉर्मल प्लेस ना उन्होंने इतना सब डिटेल में मुझे तभी नहीं कहा बट उसका मैं पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ यहाँ पे एंड ही सेड एंड दीज आर एक्चुअल वर्ड्स डोंट स्टॉप कंटिन्यू टू डू योर जप यू वील सी द रिजल्ट ऑफ इट वेन यू गो बैक टू मुंबई एंड एक्चुअली इट है ट्रांसफॉर्मेशन आई वॉज टॉकिंग अबाउट एंड येस आई एक्चुअली से दैट वैन आई गो टू कैलाश वेन आई वेंट टू कैलाश सर्टन कॉर्डिनेट्स ऑफ माई ब्रेन गॉट ट्विकड ये हंड्रेड परसेंट माई क्रिएटिविटी जस्ट ओपन डॉप यार मैं जोक नहीं कर रहा हूं आई स्टार्टेड वॉन्ट आई हैड दिस फीलिंग दैट आई शुड स्टार्ट पेंटिंग वॉट माउंटन वाई बिकॉज मैं वहां पे था तो मुझे वो कैप्चर करना था एंड आई हैव टूडे बीन एबल टू पेंट एंड एक्चुअली प्रेजेंट माई आर्ट इन एक्जिबिशंस अब एग्जीबिशंस वॉज नॉट कि मुझे पैसा कमाना बिकॉज माई प्रोफेशन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बट इट टर्न आउट दैट some people suggested that why don't you show your work because it opened up that creative uh, aspect which uh, of which painting was one mm. part mm -hmm. so these uh, transformations happen and it is said that when you go closer to kailash there are certain waves that are very strong now i have not seen this aging and happening too. because when an enlightened soul goes there maybe at that because they are not as human as us they are higher beings including my guru तो मे बी फॉर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होता रहेगा जो नेल्स बढ़ते हैं ज्यादा आई हैव नो क्लू बिकॉज मेरे नेल्स तो बराबर थे वैन आई डिड द परिक्रमा एंड आई एंटी एजड सो एज आई एम टॉकिंग टू यू विद द ब्लेसिंग्स आई एम फोर्टी एट बट इट्स इंटरेस्टिंग मैन पीपल गेस माई एज इफ इट हैज टू कम टू दैट और वो काफी कम बोलते हैं mm. जैसे सम ऑफ आर फ्रेंड्स हियर ऑल्सो गेस्ट द पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे डेफिनेटली uh, शिव का अस्तित्व है

ओके अब जाओ वैली ऑफ फ्लावर्स है देर आर सो मेनी डिफरेंट लेक्स रिवर्स ट्रेकिंग पाथवेज है हिमालय में केदारनाथ है द प्लेस दैट आई विश टू गो सून बट कैलाश इज डिफरेंट मानसरोवर इज डिफरेंट एटलीस्ट फॉर मी इट इट चेंज माई लाइफ बहुत बदलाव आया